तिथियों के जब संबंध में विकल्प आते हैं तो अपने यहाँ जो 3 तारीख को ही त्रयोदशी सही है, 6:06 से 3 तारीख को त्रयोदशी शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन मात्र 7 बजे के पहले पहले ही 4 तारीख को 7 बजे के पहले पहले ही त्रयोदशी खत्म हो जाएगी। और आपके कार्यक्रम 7 बजे के पहले शुरू होते हैं कि बाद में, तो 4 तारीख को त्रयोदशी बचेगी ही नहीं, चतुर्दशी लागू हो जाएगी 7 बजे के लगभग लगभग। और जो 3 तारीख को है सुबह 6:06 से शुरू होगी त्रयोदशी, पूरे दिन भर है, पूरी रात भर है ऐसा मानना चाहिए, और रात भर है, दूसरे दिन सुबह तक भी थोड़ी देर रहेगी, इसलिए 3 तारीख को ही महावीर जयंती मानना चाहिए। 4 तारीख का जो भ्रम आया है उसका भी कोई ना कोई संकेत तो होता है, उसका कारण है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म त्रयोदशी को लिए उत्तरा फागुनी नक्षत्र में हुआ था और उत्तरा फागुनी नक्षत्र इस बार 4 तारीख को पड़ रहा है, लेकिन तिथि नहीं है। तो हमारे यहाँ नक्षत्र के अनुसार हम किसी भी तीर्थंकर की तिथि कार्यक्रम नहीं मनाते, मना भी नहीं सकते, क्योंकि नक्षत्र आगे पीछे होते। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो जिसमें भगवान का जन्म हुआ था वो 14 तारीख को है, तो ऐसी स्थिति में अपन लोग जो हैं सभी शास्त्रों के अनुसार तिथि के अनुसार ही जयंती या निर्माण दिवस मनाते हैं, नक्षत्र के अनुसार नहीं। अन्यथा कई बार दिवाली सिंह लग्न में स्वाति नक्षत्र तो रात के 12 बजे पड़ती है, तो 12 बजे लाडू चढ़ेगा क्या? तो अपन को तिथि देख लेना चाहिए। उदया तिथि जो है वह 3 तारीख को है, सारे भारत को 3 तारीख को ही महावीर जयंती का कार्यक्रम मनाना है।